गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है अपना डिवीजन। डिवीजन के बारे में आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा है, अब इसको हम और ज़्यादा डिफाइन करेंगे। डिवीजन क्या है? डिवीजन इज ए मैथमेटिकल ऑपरेशन दैट डिवाइड्स ए नंबर इनटू पोर्शंस। डिवीजन क्या है? एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, एक गणितीय प्रक्रिया है जो है वो एक नंबर को डिवाइड करता है इनटू पोर्शन, टुकड़े करके, उसके टुकड़े कर करके उसको डिवाइड करता है। सिंबल ऑफ डिवीजन, डिवीजन का सिंबल होता है ये जो है वो है डिवीजन का सिंबल, आपको पता है। 77 में हम 6 का डिवाइड देके देखते हैं, फिर इसके पार्ट्स जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या हैं। 77 में हम दिया 6 का डिवाइड, तो पहले 7 में देंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 हो गए ज़्यादा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6 1 जा 6 1, यहाँ पे आ जाएगा। अब 7 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचा यहाँ पे 1। अब हम क्या करेंगे, इससे अगला डिजिट यहाँ पे लेंगे, 7 ले लिया, 6 का टेबल बोलेंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 18 हो गए यहाँ पे ज़्यादा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 2 जा 12, और वो 2 हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे 17 में से 12 को, 17 में से 12 गए तो 5, 7 में से 2 गए 5, 1 में से 1 गया 0। अब देखिए इनसे जो है, इस डिवीजन से इसके पार्ट बन गए, क्या क्या पार्ट हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक तो होता है इसमें डिविडेंड, क्या होता है डिविडेंड, एक होता है डिवाइजर, एक होता है कोशेंट, एक होता है रिमाइंडर। इन सब के बारे में मैंने यहाँ अलग से भी आपको बताया है। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड क्या है, देखिए द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड द डिविडेंड। वो नंबर जिसको डिवाइड करना है, द नंबर टू बी डिवाइडेड जिसको डिवाइड देना है वो होता है डिविडेंड। तो डिवाइड किसको दे रहे हैं हम, 77 को, तो ये 77 क्या हो जाएगा, डिविडेंड, ठीक है। उसके बाद अगला जो है इसका पॉइंट वो है डिवाइजर। डिवाइजर कौन है, द नंबर विच डिवाइड्स इज कॉल्ड द डिवाइजर। वो नंबर जो डिवाइड देता है, जो डिवाइड देता है वो होगा डिवाइजर। डिवाइड कौन दे रहा है इसमें, 6 कौन दे रहा है, 6, तो डिवाइजर क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है वो है आपका कोशेंट, क्या है, कोशेंट, ठीक है। कोशेंट जो है, द आंसर इज कॉल्ड द कोशेंट। आंसर जो आंसर आया डिवाइड देने के बाद, ये आंसर है, ये क्या है, आंसर, इसको बोलेंगे कोशेंट। तो आंसर अपना क्या है यहाँ पे, 12, तो 12 क्या हो गया, कोशेंट, क्या हो गया, कोशेंट। उसके बाद लास्ट जो पॉइंट है अपना वो है रिमाइंडर, क्या है, रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है, द नंबर लेफ्ट आफ्टर डिवीजन इज कॉल्ड द रिमाइंडर। डिवाइड देने के बाद, ये हमने डिवाइड दे दिया, डिविडेंड था, डिवाइजर था, कोशेंट आंसर आ गया, उसके बाद जो रिमाइंडर बचा, कंप्लीट डिवाइड नहीं जाता है कई बार, जो रिमाइंडर बच रहा है नीचे वो कौन है, 5, जो लेफ्ट बच गया, जो शेष बच गया वो हो जाएगा रिमाइंडर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी से अब हम आपको चेक करना बताते हैं कि आपको जब डिवाइड दिया जाए तो उसको चेक कैसे करते हैं, चेक कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला भी है। डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ठीक है। हमने डिवाइड दिया था 77 में 6 का, और ये सारी चीज़ें हमें मिल गई, डिविडेंड मिल गया, डिवाइजर मिल गया, कोशेंट मिल गया और रिमाइंडर मिल गया। अब हमें पता करना है कि अपना ये डिवाइड जो हमने किया है वो सही है या नहीं है, इसको चेक कैसे किया जाए। चेक करने का फॉर्मूला है इसका, डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड किसके बराबर होता है, कोशेंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। कोशेंट और डिवाइजर को मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसमें रिमाइंडर को ऐड कर दीजिए, वो किसके इक्वल होगा, डिविडेंड के इक्वल होगा। देख लेते हैं डिविडेंड क्या है अपने पास, 77,
ये किसके इक्वल होना चाहिए, कोशेंट क्या है 12, मल्टीप्लाई डिवाइजर क्या है 6, और प्लस रिमाइंडर क्या है अपने पास 5। देखते हैं, 12 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12 6 जा 72, प्लस 5 इज इक्वल टू 72 में 5 को ऐड किया तो क्या हो गया 77, और डिविडेंड भी क्या था 77। तो इसका मतलब ये अपना डिवाइड सही है, ये इसका क्या बनता है फॉर्मूला। इसी के अकॉर्डिंग आज आपको जो ये पढ़ाया गया है, ये सारा वर्क भी आपको होमवर्क में करना है, जो ये मैं समझा रहा हूँ उसके साथ ही कुछ क्वेश्चन भी पुट करूँगा, वो भी आपको होमवर्क में करने हैं।